कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज बिहार से दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची है। यहां मालदा में राहुल की कार का शीशा टूट गया। पहले खबर आई कि राहुल की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। इसकी जानकारी अधिरंजन चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल पर हमले की खबर गलत है। जब एक महिला राहुल से मिलने के लिए एकदम आगे आ गई, तब कार को अचानक रोकना पड़ गया। इससे सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाली रस्सी से कार का विंडशील्ड टूट गया। इसके बाद अधीरंजन ने कहा कि हो सकता है कि किसी ने कार पर पीछे से पत्थर फेंके हों। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जरा सा ध्यान हटने से बहुत कुछ हो सकता है। ये छोटी सी घटना है, पर इससे बहुत कुछ हो सकता है। सरकार ये सुबह की जो पुलिस बल है, ये पुलिस नामदिखी कर रहे, अनदिखी कर रहे, अनदिखी के चलती बहुत सारी घटना घट सकती है। ये तो छोटी मोटी कोई घटना घटी है, कोई पत्थर मारे है, बहुत बड़ी कुछ भी घट सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता और बंगाल इकाई के प्रमुख अधीरंजन चौधरी के अनुसार ये घटना तब हुई जब यात्रा पश्चिम बंगाल बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। इस कथित हमले के चलते कार की पिछली खिड़की यानी विंडो स्क्रीन का शीशा टूट गया। हालांकि राहुल सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारी कार का शीशा तोड़ा गया है, लेकिन हमारी यात्रा नहीं रुकेगी और इंडिया गठबंधन नहीं झुकेगा। मैं याद दिला दूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के कटिहार जिले में एक रोड शो के साथ अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की। पार्टी के नेता ने कहा कि कटिहार में रात्रि विश्राम के बाद गांधी ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की और वो लगभग 11:30 बजे के आसपास मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे थे। राहुल गांधी को एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन की छत पर बैठा गया देखा गया था। धीरे धीरे शहर के मुख्य सड़कों से वो होकर गुजरी। उन्होंने सड़क पर जमा उत्साही भीड़ के साथ हाथ हिलाकर अभिनंदन भी किया। साथ ही स्थानीय लोग सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध होकर जुलूस को गुजरता देख रहे थे। राज्य में कांग्रेस की ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक लोकतंत्र में लौट चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई। यात्रा के दौरान 67 दिनों में 6000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, जो 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी।